तो आपने देखा कि हम सब ने मिलके गणपति बापा का बहुत ही धामधूम से स्वागत किया था। तो आज बापा को आए तीसरा दिन है और आज मैं और रुद्र बना रहे हैं बापा के फेवरेट मोदक। तो आज हम जो मोदक बना रहे हैं वो सिर्फ बापा के ही नहीं बच्चों के भी बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम जो मोदक बना रहे हैं वो ओरियो बिस्किट से बना रहे हैं और ओरियो बिस्किट बड़े और बच्चों सबका बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए बनाते हैं ओरियो बिस्किट से मोदक। तो यहाँ पर रुद्र मेरी हेल्प कर रहा है, हम दोनों ने मिलकर बिस्किट और जो क्रीम है वो अलग कर दी है। तो सारी क्रीम और बिस्किट को हमें अलग कर लेना है। चलिए अब ले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ये जो बिस्किट है उसे हमें एकदम महीन पीस लेना है। तो रुद्र को ये सब काम आते नहीं है, लेकिन मैं कभी कभार उसे ले लेती हूँ किचन में, क्योंकि उसको भी ये सब सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उसे आना चाहिए। तो हम दोनों की मस्ती भी चल रही है और हम दोनों बना भी रहे हैं, बहुत ही मज़ा आया था हम दोनों को बनाने में। तो बिस्किट थोड़ा सा ज़्यादा था तो जार में फिट नहीं हो रहा था, तो रुद्र को वैसे भी खाना ही था तो उसने ले लिया, एक खा लिया तो जार अच्छे से बंद हो गया। पकड़ो ऊपर से पकड़ ही रखो। जल्दी पीसी दे जल्दी से। ला काड़ी ला काड़ी। तो आपने देखा कि रुद्र को कितनी हंसी आ रही थी, उसे कैमरा के सामने आना नहीं था और मैं उसे कैप्चर कर रही थी तो उसे बहुत ही शर्म आ रही थी, क्योंकि वो थोड़े से शाय नेचर का है तो वो कैमरा जल्दी से फेस नहीं कर पाता है। तो चलिए अब न हमने है ना ये जो बिस्किट है उसका पाउडर बना लिया है और अब रुद्र लेके आ गया है दूध। और ये जो पाउडर है उसके अंदर, मतलब कि जो बिस्किट का पाउडर हमने बनाया है उसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच भर के दूध। और ये जो बिस्किट का पैकेट है मैंने 30 रुपीज़ वाला लिया था। और 2 चम्मच दूध डालने के बाद इस तरह हमें डो रेडी कर लेना है। हाथ में थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन आप थोड़ा सा घी लेके लगाओगे तो अच्छे से ये नॉनस्टिक हो जाएगा, मतलब कि चिपकेगा नहीं हाथ में बिल्कुल भी। तो यहाँ पे डो हमारा एकदम रेडी है और अब हमें चाहिए मोदक वाला मोल्ड। तो इस तरह का मोदक वाला मोल्ड मेरे पास था, ये छोटा वाला मोल्ड है। और अब ये जो डो हमने रेडी किया था बिस्किट का, वो डो का एक छोटा सा गोला हम बनाएंगे, मतलब कि छोटी सी गोली हम बनाएंगे और ये जो मोदक का मोल्ड है उसके अंदर हम डाल देंगे और इस तरह उंगली से प्रेस करेंगे। तो ये साइड में से निकल रहा है तो रुद्र को देखकर बड़ी हंसी आ रही है और उसे देखकर मुझे भी हंसी आ रही थी। और अब ये जो क्रीम है वो दो बिस्किट की क्रीम लेंगे और उसका छोटा सा गोला बनाएंगे, मतलब कि छोटी सी गोली बनाएंगे और इसके अंदर रख देंगे और ऊपर से इसे सील कर देंगे थोड़े से और बिस्किट के डो से और उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। चलिए अब खोल के देखते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा मोदक बन के हमारा एकदम रेडी है। यहाँ पे हम दोनों बना रहे हैं तो हमने टास्क लिया था कि एक रुद्र बनाएगा और एक मैं बनाऊंगी, तो मैंने तो बना लिया है और अब बनाएगा रुद्र। तो यहाँ पे ये जो डो का टेक्सचर है वो देख के रुद्र को बड़ी हंसी आ रही थी, वो चिपचिपा है तो वो हाथ में पकड़ने से मना कर रहा था, लेकिन मैंने बोला नहीं तुमको बनाना ही है। तो उसने बनाना स्टार्ट किया, आप देख रहे हो किस तरह वो बना रहा है, मैं उसे बता रही हूँ और वो बनाता जा रहा है। तो ये लीजिए फाइनली ई ऊ करते हुए रुद्र ने एक मोदक तो बना लिया और अब वो चला गया है किचन से। चलिए अब मैं आपको एकदम प्रॉपर मेथड बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये जो डो हमने रेडी किया था ओरियो बिस्किट का, उसकी एक छोटी सी गोली लेनी है। अगर आपके पास बड़ा सा मोल्ड है तो थोड़ा सा बड़ा पीस आप ले सकते हो और उसे मोल्ड के अंदर इस तरह डाल के साइड में से अच्छे से प्रेस कर लेना है। और ये जो क्रीम है उसकी भी एक छोटी सी गोली बना के बीच में रख कर ऊपर से हमें ये जो बिस्किट का डो है उसे सील कर लेना है। और ये देखिए मोदक हमारा एकदम रेडी है, बहुत ही ईजी मेथड है, फटाफट से बन जाता है और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को ओरियो बिस्किट्स बहुत ही पसंद आते हैं तो ये मोदक तो ज़रूर उन्हें पसंद आएंगे।
और ये मोदक जो हैं वो बिस्किट से भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसे हम बना करके 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख देंगे, और फ्रिज में रखने के बाद इसका जो बीच में हमने क्रीम भरा था उसका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और खाने में जब आता है तब बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ये मोदक वाली रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।